हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक एलईडी चेसर, जिससे आप किसी भी प्रकार की एलईडी झालर को फ्लिपिंग करा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अभी इस ब्लेड की मदद से मैं इसके अंदर के प्लास्टिक को रिमूव करूंगा, क्योंकि कैन के अंदर की साइड एक प्लास्टिक फिल्म सी होती है, पतली सी, और ऐसा नहीं करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। गाइस, इस पत्ती के दोनों छोर पर मैंने दो होल कर लिए हैं, जिससे मैं रोलर में कसते समय इसे कोई प्रॉब्लम ना हो।
एक ले रहा हूँ मैं 12012 हाफ एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर, और कुछ ले रहा हूँ डायोड और कैपेसिटर, जिसके हेल्प से मैं बना लूंगा एक ब्रिज रेक्टिफायर जिससे मैं गियर मोटर को सप्लाई दे सकूँ। अभी ले रहा हूँ मैं एक डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर, इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, और अभी मैं ट्रांसफॉर्मर के दोनों पॉजिटिव नेगेटिव वायर कंट्रोलर के पावर पॉइंट पर लगा दूंगा, और ऐसे ही मोटर के भी। तो फाइनली हमारा एलईडी चेसर बनके तैयार हो चुका है, और ये कुछ ले रहा हूँ मैं झालर, जिनके एक एक वायर को आपस में जोड़कर ब्लॉक वायर कनेक्टर के फर्स्ट पॉइंट पर, और लास्ट में बचे झालर के एक एक वायर को ब्लॉक कनेक्टर के सेकंड थर्ड पॉइंट पर लगा दूंगा, और पेचकस की हेल्प से इन्हें कस दूंगा जिससे ये निकले ना। और अभी मैं ये ले रहा हूँ केबल जो मैंने कनेक्टर कनेक्ट किया था उसमें ये यूज होता है, तो फटाफट से इसे पावर देते हैं और चेक करते हैं कि आखिर हमारा एलईडी चेसर बना कैसा है। तो गाइस अभी मैं रेगुलेटर की हेल्प से इसे धीमा तेज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा एलईडी फ्लिपरिंग कर रहा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और इस कंट्रोलर की हेल्प से आप रोलर को कितना भी धीमा और तेज भी कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।